गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शरद झा है। आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक है लोगों का बहाना बनाना। चाहे वो किसी फील्ड में काम करते हों, लेकिन लोग बहाना बनाने से नहीं चूकते। हमेशा अपने भाग्य को दोष देते हैं, मेरा भाग्य ख़राब है, मैंने कितनी बार ट्राई किया कुछ नहीं होता है। एक्चुअली वो ट्राई करते नहीं हैं, ट्राई सीरियसली नहीं करते, बहुत लंबे समय तक नहीं करते। ज़रा सा हाथ लगाया किसी बिजनेस में और जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। इसे कहते हैं गिव अप, बहुत जल्दी गिव अप कर देना। तो सर, सफलता पाने के लिए बहुत छोटी सी प्रयास काफ़ी नहीं है, उसके लिए लगातार लगा रहना पड़ता है। कई लोग कोशिश ही नहीं करते, कई तो ऐसे कोशिश ही नहीं करते और कहते हैं कि मेरा भाग्य ख़राब है। इसके सिले में मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार भगवान महादेव पार्वती के साथ बैठे थे, तो उनका एक भक्त जो उनको सालों से उनकी पूजा करता और उनको बोलता भगवान को, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। कई साल बीत गए, उसकी लॉटरी नहीं लगी। तो पार्वती ने कहा महादेव से, हे महादेव, ये आपका भक्त कितना बड़ा भक्त है, भूखा प्यासा आपकी पूजा करता है और रोज़ ये कहता है कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, आप इसकी लॉटरी लगाते क्यों नहीं? तो महादेव इस बात पर हंसने लगे और बोले, पार्वती, ये मेरा भक्त सच में मेरा बहुत बड़ा भक्त है और हमेशा से मुझे ये लॉटरी लगाने की बात सालों से कहता आ रहा है। मैं लॉटरी लगा भी दूं, लेकिन लॉटरी का टिकट खरीदे तब तो। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे और लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेंगे तो लॉटरी नहीं लगेगी। लॉटरी के टिकट से मेरा मतलब है कि आप जिस फील्ड में सफल होना चाहते हैं उस फील्ड में प्रयास तो करिए। भगवान तो आपकी हेल्प करेंगे जब आप प्रयास करोगे। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। घर बैठे बैठे कोई आपके पास झोला लेके नहीं आएगा। और अलाउद्दीन का चिराग का तो टाइम ही बीत गया, वो तो खाली फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में मिलता है और हकीकत में नहीं मिलता। हकीकत में अगर आपको सफलता पानी है तो प्रयास करनी पड़ेगी। बस स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, ये सब जानते हैं। तो अगर स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। बिना मरे हुए अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपने एक राजा त्रिशंकु की बात सुनी होगी, जो ना तो स्वर्ग जा सके और ना धरती पर रह सके, बीच में लटक के रह गए। और बीच में लटके हुए लोग को आज भी लोग एग्जाम्पल से कहते हैं कि ये आदमी तो त्रिशंकु बन गया, मतलब न तो स्वर्ग जा सका न धरती पर रह सका। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का में मेहनत करने का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, मेहनत का काम मेहनत से ही हो पाएगा। हाँ, उसके लिए आपको हमेशा क्रियाशील रहना पड़ेगा, हमेशा आपको मेहनत में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। ये नहीं कि दो महीना कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर दो महीना कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। एक लगातार एक सर्टेन पीरियड तक, जब तक सफल ना हो जाए तब तक आप उसको उसमें आप लगा रहना पड़ेगा। धन्यवाद।